मैं आपके रास्ते पर चलता हूँ बाबा। काई की सलामती के लिए काम करता हूँ। मुझे इससे दुख होता है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं। भाईजान, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ये जान लीजिए, हमारी नीयत साफ है। हमारे दिल में कोई खोट नहीं। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी विरासत की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। दुंदार साहब, उस्मान जब कबीले में नहीं है तो सरदारी के इंतखाबात का फैसला करना बहुत गलत होगा। अगर अर्तुरुल साहब उठ गए और उन्होंने ये सुना तो वो आप पर अपना हक हलाल नहीं करेंगे। मुझसे ज्यादा मेरे बाबा को आप नहीं जानते अब्दुल रहमान गाजी। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी अर्तुरुल साहब के साथ लड़ते हुए गुजारी है। जब तुम कहीं भी नहीं थे, हमने एक दूसरे की बहुत हिफाजत की। मैं भी सरदार के बारे में कुछ जानता हूं। Hoş geldiniz beyler. Buyurasınız. भतीजे, चलो अब अंदर चलते हैं। ठीक है चाचा जान। सरदार जाग जाएं, सरदार जाग जाएं। आपको उठकर इसे रोकना होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के 99 नामों से जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह बड़ा बाबरकत है। मेरे सरदारों, खुश आमदीद सरदारान और आगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल साहब के खेमे में खुश आमदीद। आप क्या चाहती हैं सलजान खातून? क्या कोई अहम मसला है? जी हाँ, मसला बहुत ही अहम है। जी बताइए, क्या बात है? सुना है कि आप सरदार का इंतखाब करने वाले हैं। हमारे कबीले के लिए ये एक अहम मसला है। मुझे ये बताएं दुंदार, उस्मान या नहीं है तो सरदार कैसे मुंतखब होगा? ताईजान, आप रिवायात को जानती हैं। ये जरगा खवातीन के लिए नहीं है। हाँ, मैं रिवायात जानती हूँ। मैं कुछ और भी जानती हूँ। अर्तुरुल साहब अभी जिंदा हैं। अगर सरदार जिंदा हो तो, लेकिन उसकी सेहत सरदारी के लिए नामुनासिब हो। खामोश रहो दुंदार। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि रिवायत क्या होती हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सरदारी का वारिस सरदार का हर बेटा नहीं होता? सरजान खातून ये हमारे कबीले की बड़ी है तो ज्यादा समझते हैं होना जरूरी है। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में ये सब नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुमने बिल्कुल सही। जब सरदार का एक बेटा जंगी मुहिम के लिए गया हो, आपकी जुर्रत कैसे हुई इंतखाबात के लिए सरदारों को इकट्ठा करने की? ताईजान, आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं। सलजान खातून हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। इन्हें बोलने का पूरा हक है। जी हाँ, मुझे यकीनन हक है इस बात का। जिस हक की बात कर रही हूँ वो उस्मान साहब के लिए है। अगर उस्मान साहब यहाँ नहीं हैं, तो उनकी जगह मैं यहाँ हूँ।